तो देखिए इस टाइम मैं आऊँ, तो देखिए इस टाइम, तो देखिए मैं आ गया हूँ, तो देख सकते हैं। तो देखिए इस टाइम मैं 12 पत्थर लगा, तो देखिए इस टाइम मैं आ गया हूँ पंगुट रोड, और यहाँ से इतना प्यारा हिमालय देख। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपको जिसनल की, और जो आज का ब्लॉग नैनीताल के ऐसी जगह के होने जा रहे हैं जो आप अक्सर साइड सीन में घूमते हैं। नैनीताल के 7 पॉइंट में दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से नैनीताल को साइड सीन में 7 पॉइंट घुमाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग आते हैं तो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन से पॉइंट घूमें कौन से नहीं घूमें। तो वो 7 पॉइंट में भी आते हैं और 11 पॉइंट में भी आते हैं, तो मैं आज दिखाने वाला हूँ कि नैनीताल में जो साइड सीन में 7 पॉइंट घुमाए जाते हैं कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं आज के लोग, मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा सिर्फ करके मत देखने, तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और इस टाइम मैं हूँ मल्लीताल सुगाताल के ऊपर पंगुट वाली रोड में, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ 7 पॉइंट। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस टाइम मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और नीचे बिल्कुल कोने पर तो कुछ इस तरीके से नज़ारे होते हैं। यहाँ पर ये पत्थर है, तो कभी भी आप आएँ तो संभल के, पत्थर चिकने हैं क्योंकि, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से अल्टीमेट नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आजकल तो मानसून बरसात, तो बरसात में पूरी हरियाली हो रही है, देख रहे हैं आप लोग ग्रीनरी पूरी, तो पहाड़ी किस तरीके से नज़र आ रही है देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए मैं आ गया हूँ 12 पत्थर लॉर्ड्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट से ऊपर, और यहाँ होती है हॉर्स राइडिंग, तो ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन आजकल हॉर्स राइडिंग बंद है क्योंकि पंडा में लैंड स्लाइड हुआ था, तो देख सकते हैं घोड़े और हॉर्स राइडिंग आजकल बंद है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा घुमाएंगे आपको, क्योंकि टिप्पन टॉप जो लैंड स्लाइड हुआ था उसमें पूरा टिप्पन टॉप नहीं जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब रोज़गार है, रोज़गार में तो भैया थोड़ा बहुत करना ही है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ भी आपको गाड़ी के माध्यम से टैक्सी वाले लाएंगे और स्कूटी लेंगे आप रेंट पर, तो आप आ सकते हैं और यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग हॉर्स, ये एक से एक हॉर्स है यहाँ पर, तो ये भी 7 पॉइंट और 11 पॉइंट में ये भी आता है, तो आप लोग ये पॉइंट भी आया है, आना जब भी आओगे मिस मत करना ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए इस टाइम मैं 12 पत्थर लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट से आगे आ गया हूँ हिमालय दर्शन वाली रोड में। तो यहाँ से जब आप जाएंगे हिमालय दर्शन पॉइंट को, तो यहाँ पर ए सी कैफ होती है, हवा ठंडी हवा आती है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ आपको दिखाते हैं। तो जाना बिल्कुल संभल के है ऊपर तक, क्योंकि चिकने पत्थर रहे हैं और ठंडी हवा आती है यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप लोग। आजकल तो नहीं, अभी तो नहीं आ रही है, खैर तो अभी तो बहुत हल्की है, उतनी हवा नहीं है जैसे बिल्कुल पहले आती थी गर्मियों में, तो यहाँ से ठंडी हवा निकलती है, तो इसको एसी कैप कहते हैं, ठंडी गुफा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो एक पॉइंट ये भी है, तो आपको 7 और 11 पॉइंट में आपको ये भी पॉइंट दिखाया जाएगा, तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर ये आएगी की। तो देखिए इस टाइम मैं पंगुट रोड में आ गया हूँ, और यहाँ पे है मैंगो पॉइंट, लेकिन यहाँ पे पर्यटक बहुत खास तो है ही नहीं बिल्कुल नदारत, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की यहाँ से लेक दिखती है। तो एक ये भी साइड सीन में आता है, तो यहाँ भी आप गाड़ी रोकी जाएगी और यहाँ से भी आप देख सकते हैं फिर ये पॉइंट, और इसको बोलते हैं मैंगो पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से नजर, अब मतलब ऊंचाई से आने से लेक का आकार बिल्कुल बदल जाता है, और नीचे जाएंगे तो वहाँ से कुछ आकार दूसरा दिखेगा। और बोट्स इस टाइम ना बहुत कम चल रही है, तो जैसे आप सामने देख सकते हैं, और यार्ड बोट चल रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सामने, ये देखिए। तो लेक का आकार आप देख रहे हैं किस तरीके से, और वेदर की बात करूँ तो बादल देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं बादल। तो ये है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक देख रहे हैं सामने किस आकार की दिख रही है। तो अभी हम थे यहाँ पे फील्ड पे था मैं, अभी जस्ट मैं यहाँ था, अब यहाँ से देखिए मैं इतनी हाइट पर आ चुका हूँ नैनीताल की। तो यह है मैंगो पॉइंट।
तो देखिए इस टाइम मैं आ गया हूँ पंगुट रोड में और साइड सीन में ना आपको लेक व्यू पॉइंट भी दिखाया था। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यह पंगुट रोड में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक दुकान भी नज़र आ रही है चाट की, और यहाँ से जो है लेक व्यू पॉइंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप, सामने लेक देखने को मिल गया, और यह मल्लीताल का जहाँ पे ये जो इलाका देखने को मिल रहा है ना, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो देख सकते हैं कि ऊँचाई से नीचे की तरफ कैसे घर नज़र आ रहे हैं, देखिए ये। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से घर नज़र आ रहे हैं, और यह है लेक व्यू पॉइंट। तो इस जगह को बोला जाता है लेक व्यू पॉइंट। और थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेक नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। और बादल देख सकते हैं किस तरीके से बादल नज़र आ रहे हैं। हालांकि यार नैनीताल में बारिश नहीं हुई है, तो अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई है नैनीताल में, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होगी, कुछ ही मिनटों बाद बारिश भी हो सकती है, और ऐसी बारिश हो सकती है कहीं कि मूसलाधार एक दो घंटे की बारिश। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको डीएसए फील्ड भी नज़र आ रहा है, ये लेक नज़र आ रही है, लेक में बोट्स बहुत कम बोट्स नज़र आ रही है। तो आप यहाँ टू व्हीकल्प से आ सकते हैं, स्कूटी बाइक और फोर व्हीलर से भी आ सकते हैं, आप लोग गाड़ियों से भी आ सकते हैं। तो ये आपके 7 और 11 पॉइंट में साइड सीन में ही इंक्लूड होगा ये भी पॉइंट। तो कभी भी आएँ तो पंगुट रोड में ही है, देखिए ये पंगुट रोड है। तो इस तरीके से नज़ारे हैं ये, और ये पर्यटक खड़े हुए देखिए यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पर्यटक भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप चलते हैं हिमालय दर्शन पॉइंट। तो देखिए इस टाइम में आ गया हूँ हिमालय दर्शन पॉइंट में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पर्यटक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ भी बहुत कम पर्यटक नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यह हिमालय दर्शन, तो यहाँ से हिमालय देखने को मिलता है अक्टूबर के टाइम पर, अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, लेकिन अभी नहीं देखने को मिल रहा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ से इतना प्यारा हिमालय देखने को मिलता है ना सामने, लेकिन पूरा कोहरा लगा हुआ है, आप कुछ नहीं दिख रहा। देखिए पूरा कोहरा आ गया है, और यहाँ से पूरे हिमालय की रेंज है, पूरी हिमालय की रेंज ये दिखते देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए और दिखाई में तो क्या दिखाएं, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। अगर आपको हिमालय देखना है तो अक्टूबर नवंबर में आ सकते हैं, और बहुत प्यारे हिमालय देखने को मिलता है यहाँ से। तो इस टाइम मैं हूँ हिमालय दर्शन पॉइंट में, तो ये देख सकते हैं यह है। तो इसको बोला जाता है हिमालय दर्शन पॉइंट। तो यहाँ गाड़ी और साइड सीन में ये भी इंक्लूड है 7 पॉइंट और 11 पॉइंट। तो यहाँ आ सकते हैं 7 पॉइंट और 11 पॉइंट में, तो ये भी साइड सीन में ही गिना जाता है हिमालय दर्शन पॉइंट। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये, लेकिन अभी ना हमारे आते ही कोहरा आ गया है। देखिए ये पूरा कोहरा, ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे सफ़ेद चादर है पूरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ कोहरा। और यहाँ पर आप सेल्फी फ़ोटो ले सकते हैं, चार्ज हैं देखिए कपल 40, प्रति व्यक्ति 20। और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फॉग कोहरा आ गया है ये। हेलो, तो आप सामने देख सकते हैं इधर से हिमालय की रेंज काफ़ी प्यारी है, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया था कोहरा कोहरे की चादर में था, लेकिन कोहरा ना हल्का हल्का छटने लग गया है ये। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से छट रहा है कोहरा। तो ये कोहरा ऐसा है कि हम कहते हैं कि प्लेन्स वाले यार तुम तो बादलों के ऊपर रहते हो, तो वही अभी हो रहा है कि देखिए हम बादल के ऊपर हैं, बादल इतने नीचे और हम इतने ऊपर हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए छटना शुरू हो चुका है ये, और यहाँ से पीछे की पहाड़ी और घर पूरे नज़र आने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरीके से मानसून में रहता है जुलाई अगस्त में ऐसा वेदर रहता है नैनीताल का। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइम में हिमालय दर्शन पॉइंट में, और पीछे कुछ नहीं दिख रहा, कोहरे के ऐसे कोहरा ही कोहरा है, बिल्कुल हिमालय को दिख ही नहीं रहा है, हिमालय के लिए तरस रहे हैं हम। और आज मैंने दिखाया आपको नैनीताल में जो साइड सीन में आप घूमते हैं 7 पॉइंट या 11 पॉइंट, तो वो मैंने आपको पॉइंट दिखाए हैं कि आप कभी भी कन्फ्यूज मत होना, कभी भी नैनीताल को तो इन पॉइंट जरूर घूमना। ये पॉइंट घुमाए भी जाते हैं और मिस भी कराए जाते हैं, अगर उनको जल्दी होगी तो ये पॉइंट आपको घुमा के मिस भी करा देंगे, और अगर वो उनको नहीं होगी जल्दी तो आपको आराम से घुमा भी देंगे। तो कभी भी आप आएँ तो ये पॉइंट में जरूर घूमिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।